रूस के चांद पर पहुंचने की उम्मीदें उस वक्त पूरी तरह से खत्म हो गईं जब उसका स्पेसक्राफ्ट लूना 25 क्रैश हो गया। रविवार को रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की। लूना 25 सोमवार को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तैयारी में लगा हुआ था। एजेंसी ने बताया कि लूना 25 प्रोपल्शन मैनूवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया था, इसी वजह से वह दुर्घटना का शिकार हो गया। लूना 25 का क्रैश होना रूस के लिए बड़ा झटका है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस की तरफ से कहा गया है कि लूना 25 नियंत्रण से बाहर हो गया था और एक ऐसी समस्या में फंस गया था जिसका कारण उन्हें पता नहीं है। इसके बाद यह अंतरिक्षयान चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लूना 25 47 सालों के बाद रूस का पहला चंद्र लैंडिंग मिशन था। यह चंद्रमा के सबसे मुश्किल दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की योजना से भेजा गया था, लेकिन संपर्क में बाधा पहुंचने के कारण यह मानव रहित एयरक्राफ्ट लैंडिंग में फेल हो गया। लूना 25 अपनी लैंडिंग से पहले ही कक्षा में चला गया था। तकनीकी खामी के बाद करीब 10 घंटे तक लूना 25 के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया था। दुनिया भर में चांद के जिन दो मिशन की सबसे ज्यादा चर्चा थी उसमें पिछले महीने लॉन्च किया गया भारत का चंद्रयान 3 और दूसरा रूस का लूना 25 था। जहां रूस ने अपने अंतरिक्षयान को 10 अगस्त को लॉन्च किया था, वहीं भारत ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया था। हालांकि इसकी लैंडिंग भारत के चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले होनी थी। ऐसा माना जा रहा था कि 21 अगस्त को चांद की सतह पर लूना 25 उतर जाएगा, लेकिन उससे पहले ही रविवार को यह क्रैश हो गया। वहीं चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर होनी है। रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस ने रविवार को बताया कि रूस का मानव रहित रोबोट लैंडर अनियंत्रित कक्षा में जाने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एजेंसी ने बताया कि लैंडिंग से पहले की तैयारी के दौरान किसी समस्या के आने के कारण शनिवार को अंतरिक्षयान से उनका संपर्क टूट गया था और आखिरकार रविवार को चंद्रमा की सतह से टकराकर लैंडर के क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि हो गई। लूना 25 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हम भारतीय यही कामना करते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 कुशलता के साथ चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो जाए और गौरव के उन पलों का हम आनंद ले पाए। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।